आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो पहला पॉइंट आपका आ रहा है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग अनइक्वल रूट्स, कि वो कैसे फाइंड किया जाता है वो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो क्योंकि जो वैल्यू वो जीरो है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो उसका जो पूरा सॉल्यूशन होता है यहाँ पर वाई के टर्म्स में, तो जो वाई इक्वल टू होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यहाँ पर जीरो होगा बिकॉज क्यू आपका जीरो है। तो मुझे बस इस इक्वेशन में सिर्फ सी एफ फाइंड करना है। तो सी एफ फाइंड करने का क्या तरीका होता है, सी एफ फाइंड करने के लिए डी के प्लेस पर हमें एम और वाई के प्लेस पर हमें वन पुट करना होता है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अब आपको बता दूं कि डी अपॉन डी एक्स की प्लेस पर आपको डी लिखा जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में डी के टर्म्स में ही आ जाता है। तो जो इक्वेशन है उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके इस रूप में लिख दिया है। अब अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो हमें बस अब क्या पुट करना होगा कि डी के प्लेस पर मुझे एम और वाई के प्लेस पर मुझे वन पुट करना होगा। तो डी के प्लेस पर एम और वाई के प्लेस पर एम वन पुट करने पर इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मुझे एम की वैल्यू वन और टू मिल चुकी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा इसका, सी एफ देखिए, क्योंकि एम की वैल्यू दो है तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मुझे दो कांस्टेंट इंक्लूड करने हैं। मैंने दो कांस्टेंट, पहला सी वन मान लिया है और दूसरा सी टू। तो इसका जो लिखना फाइंड करने का तरीका होता है, लिखने का तरीका, सी वन e की पावर एक्स प्लस सी टू e की पावर 2x, ये आपका सी एफ हो गया। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो वाई इक्वल टू, चूंकि सी एफ है तो सी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अच्छा, अगर सी एफ की वैल्यू कुछ और रूप में आ जाए तो उसके इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड केस में अगर आपके पास एम की वैल्यू कुछ इस रूप में आ जाए, जैसे कि टू प्लस माइनस आई थ्री, और थ्री आई के टर्म्स में आ गए, इमेजिनरी वैल्यूज के रूप में आ गई, तो क्या होगा। तो चूंकि e की पावर 2x दोनों टर्म्स में ही आना है, दो ही वैल्यू है, दो आपके इंक्लूड होने हैं कांस्टेंट, तो e की पावर 2x दोनों में आ रहा है तो मैंने वो कॉमन ले लिया बाहर। तो c1 यहाँ पर देखिए आई के रूप में है, यानी कि c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x हो जाएगा। अगर देखिए यही चीज अगर 3 के प्लेस पे रूट 3 लिखा हुआ होता तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होता, e की पावर 2x c1, ये फंक्शन हाइपरबोलिक में इंक्लूड किया जाता, कॉस हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स। थैंक यू।